बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताओ कि भाई अक्षय कुमार की मूंछ एक साइड से बड़ी और एक साइड से छोटी क्यों है? मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है या फिर मुझे ये अलग लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। बात करते हैं इसके ट्रेलर की। देखो भाई ये मूवी का नाम है जो वो पुरानी मूवी अमिताभ बच्चन सर और गोविंदा सर की मूवी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वहाँ से उठाया गया है और मतलब थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए है, ये तो हम सबको समझ है। लेकिन जब इसका टीज़र आया था तो ठीक ठाक था, लेकिन ट्रेलर में कुछ अच्छी चीज़ें हैं लेकिन कुछ खराब चीज़ें भी हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इस मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 200 करोड़ से तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि भाई देखने में भी समझ में आ रहा है काफ़ी बड़े लेवल पर सेट्स लगाए गए हैं, बड़े लेवल पर एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है, जिसमें पैसा तो ऑब्वियसली लगेगा ही, लेकिन क्या वो पैसा वापस भी आ पाएगा? कहीं गणपत की तरह मतलब 200 करोड़ लगा तो दिया, वापस 20 करोड़ भी नहीं आया है। देखो भाई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों का करियर इस टाइम ऐसे पॉइंट पे है कि भाई कोई भी बहुत बड़ी हिट मूवी नहीं दे पा रहे हैं ये, मतलब जो इनकी मूवीज आ रही है फ्लॉप होती जा रही है, लेकिन क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ इनका कमबैक करवाएंगे? लेकिन देखते भाई कमबैक से पहले कहीं ऐसा ना हो कि बैक बैक ही चले जाएं ये और जो मतलब थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी ना रह पाए। देखो अच्छी चीज़ों से बात करते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे बुराई 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 हो रही है सिर्फ। देखो सबसे अच्छी बात मूवी की ये है कि मूवी का वही चीज़, सेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, एक्शन सीक्वेंस कई अच्छे लग रहे हैं देखने में, हैंड टू हैंड फाइट्स जो थोड़ी बहुत दिखाई गई हैं वो अच्छी लग रही हैं। दूसरी अच्छी चीज़ है भाई पृथ्वीराज, जो कि इस मूवी के विलन हमें देखने को मिलेंगे, उनकी आवाज़ से हमें समझ में आ रहा है कि वही हैं जो मास्क के पीछे हैं, क्योंकि भाई इसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है ट्रेलर में, लेकिन आवाज़ से आपको समझ में आ जाएगा। भाई अगर फिर भी नहीं लग रहा तो जाके सलार देखो, सलार में प्रभास के जो दोस्त बने हैं पृथ्वीराज, उनकी आवाज़ वहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई वही बंदा है ये। तो भाई उनका करेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, मतलब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस उस करेक्टर की लग रही है। तीसरी अच्छी चीज़ आ जाती है जो भाई इसके लिए अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, इसकी स्टोरी, क्योंकि देखो भाई स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। देखो बेसिक प्लॉट लाइन तो वही है कि एक विलन और उसको सिर्फ हीरो ही मार सकता है, तो वो दो हीरो कौन है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेलर के आखिरी 5 सेकंड देखोगे ना, वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार लड़ रहे हैं और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अक्षय कुमार को एआई ने अपने वश में कर लिया है, तो बस कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण स्टोरी अच्छी हो सकती है। अब अगर बात करें कि इसकी बुरी चीज़ें क्या हो सकती है, देखो सबसे बुरी चीज़ तो यही हो सकती है कि इस मूवी के डायलॉग्स भाई जो ट्रेलर में हमें सुनने को मिल रहे हैं वो वही क्रिंज जैसी फील दे रहे हैं। मतलब आपको क्यों एक एक्शन मूवी में कॉमेडी बीच में डालनी है, जुगलबंदी डालनी है? दिस इज़ अ बोलते ना कि एक बहुत बड़ा स्कैम है भाई कि एक एक्शन मूवी में आप कॉमेडी डाल दो, वो भी अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको सीरियस रखो ना भाई, सारे दुनिया मतलब बोलते ना स्क्रीन से जुड़ी रहेगी, ना हंसी ना कुछ, मतलब ना आपकी फीलिंग्स कनेक्ट होगी, लेकिन वहीं पे हंसा देंगे, फिर लोग ऐसे हल्की फुल्की फिल्म की तरह इसको देख के बाहर निकल जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि भाई टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोनों भाई मतलब इस टाइम करियर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डाउन वाली साइड जा रहा है, क्योंकि भाई टाइम नहीं दे रहे मूवीज़ में, सेम चीज़ देखने को मिल रही है। टाइगर श्रॉफ की आप पुरानी मूवीज़ देख लो, इसको भी उठा के देख लो, तो कई एक्शन सीक्वेंस आपको ऐसे लगेंगे वही हैं, डांस मूव्स वही हैं, एक्टिंग वही है, लुक्स वही है, अक्षय कुमार नकली मूछ वही बात आ गई। अक्षय कुमार जैसे कहते भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दोबारा मूछे उगाऊँ, मुझे दूसरी मूवी की भी करनी है भाई शूटिंग, तो मैं नहीं बोलता कि भाई अक्षय कुमार अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई रोल में तो घुसना ही पड़ेगा। वो बोलते ना रणवीर सिंह बोलता था कि मैं भाई एक कमरे में बंद होकर फिर खिलजी का रोल निभाया था। देखो भाई तीसरी चीज़ जो इसकी बोलते ना कि जैसे एक पॉजिटिव था कि स्टोरी अच्छी भी हो सकती है बुरी भी, लेकिन यहीं पे एक एक्शन सीक्वेंस है जो अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन बुरे इतने हो सकते हैं कि भाई मूवी को ख़राब कर दें, क्योंकि ये हमने काफ़ी देखा है मतलब टाइगर श्रॉफ की मूवीज़ में, बागी 3 बागी 2 में, कि भाई ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखा देना जो किसी को विश्वास ना हो, उससे भाई पॉजिटिव नहीं होता कुछ भी, नेगेटिव ज़्यादा जाता है। मतलब वो बोलते हैं ना साउथ में एक बंदा मुक्का मार रहा है और 4 गिर रहे हैं, वो हम फिर भी सह लेंगे, यहाँ पे भी तुम कर दोगे हम सह लेंगे, लेकिन एक आदमी पूरी आर्मी को हरा दे रहा है, उस पे गोलियाँ नहीं चला रहा, सामने 100 लोग हैं भाई गोलियाँ चला रहे हैं, उसको कोई गोली नहीं लग रही, तो ऐसी चीज़ें देखना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े ग्लिम्स ऐसे देखने को लग रहे हैं जो आपके साइंस के लेसन्स को तो साइड कर ही देंगे, साथ में कॉमन सेंस को भी साइड कर देंगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता ना, वो फील भी शायद आपको आ सकती है। लेकिन वही बात है कि ये मूवी ना इस टाइम ऐसे कांटे पे खड़ी है, बोलते ना सीसो होता है ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये ना नेगेटिव के लिए नीचे जा रही है ना पॉजिटिव के लिए नीचे जा रही है, ये मूवी बोलते हैं ना बिल्कुल ऐसे है, देख के ही समझ में आएगा कि भाई ये मूवी क्रिंज है या एक अच्छी मूवी है जो भाई 200 करोड़ जो इसका बजट हो सकता है उसको पार कर जाएगी। थोड़ी गलतियां तो हैं लेकिन फिर भी एक बोलते हैं ना कि ये मूवी देखी जा सकती है अभी तक जो ट्रेलर निकल के आया है, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है कि भाई ये मूवी बहुत खराब हो सकती है, लेकिन हाँ अगर स्टोरी क्रिंज और एक्शन क्रिंज हुआ
तो भाई इसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। शुरू में पहले दिन दूसरे दिन तो चलो फिर भी कमा लेगी, लेकिन उसके बाद भाई आजकल बोलते हैं ना जनता बहुत ख़राब है, दो दिन देखती है मूवी, तीसरे दिन साइड में उठा के रख देती है, ले जाओ इसको। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके कहते तो कैसा है ट्रेलर कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा यही था कुछ ओपिनियन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।